साथियों, आज बात करेंगे एक बेहद बेहद बहुत ज्यादा सुंदर प्रयोग के बारे में। एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग जो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देगा, आपके घर परिवार को बदल देगा, आपकी किस्मत पलट देगा। आप सभी दुर्गा सप्तशती की ये देवी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु, आप लोगों ने इसकी स्तुति काफी की होगी, बहुत की होगी आपने देवी की स्तुति, और सुनी भी होगी। लेकिन जो जिस तरह आपने स्तुति की है, मैं नहीं समझता उसका आपको बिल्कुल भी लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से, कोई सही तरीके से कोई प्रयोग नहीं करते, तब तक वो प्रयोग कोई फल नहीं देता। निरर्थक है आपका वो कार्य जब तक कि आप उसे सही तरीके से ना करें। आप कोई भी विग्रह स्थापित करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना। जब तक किसी विग्रह की, किसी मूर्ति की प्राण प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक उसमें ईश्वर का वास नहीं होता। इसी तरह जब तक हम किसी स्तुति को या किसी मंत्र को, जब तक उसके भावों को ठीक से ना समझ लें, उसके प्रयोग को ठीक से ना समझ लें, तब तक वो हमारे लिए व्यर्थ है। कितना भी उसके जाप कर लें, कितनी भी उस स्तुति को कर लें, जब हमारे को उसका अर्थ ही नहीं पता है, जब हम उसके भाव ही नहीं जानते, तो शब्द मात्र कल्याण नहीं करेंगे आपके, जब तक उसके अंदर भाव नहीं आएगा। जब आपको शब्दों के भाव ही नहीं पता, अर्थ ही नहीं पता, तो भाव कहां से आएगा? तो सबसे पहले हमें देवी स्तुति के अर्थ को और भावों को समझ लेना चाहिए। जब हम इन भावों को और अर्थों को ठीक से समझ लेंगे, तो इसके बहुत ज्यादा लाभ हम मिल पाएंगे। और ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, आप इसको साधारण प्रयोग ना समझें। आप बहुत दिनों से करते आए इस स्तुति को, लेकिन कोई फल नहीं मिला कोई, लेकिन इसलिए आप साधारण समझते हैं, लेकिन ये साधारण प्रयोग नहीं है। तो आइए समझते हैं इस स्तुति के अर्थ को। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण शब्दितता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो यहां या देवी क्या कहा जा रहा है? या देवी, हे देवी, माता नहीं कहा जा रहा, ध्यान रखिए। हे देवी सर्वभूतेषु, सर्वभूत सर्व सारे भूतों में व्यापक, भूत से मतलब पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर से मत लीजिएगा। यहां भूत से तात्पर्य है पंचभूतों से। हमारा शरीर किन से बना है, समस्त सृष्टि किन से, किस चीज से बनी है? पंच तत्वों से। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब पंच तत्व हैं, यही पंचभूत हैं। तो जो समस्त भूतों में वास करती है, या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी समस्त भूतों में वास करने वाली, समस्त भूतों में विष्णु रूपेण शब्दिता, विष्णु शब्दिता रूपेण संस्थिता। तो जो विष्णु के रूप में स्थित है, इस भाव को ठीक से समझिएगा। विष्णु कौन है? जो समस्त सृष्टि को संचालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य नेत भीतेत संस्थिता रूपेण संस्थिता। तो यहां चैतन्य, जो भी चैतन्य, जो भी जीव है जिसमें चैतन्य है, और सभी कुछ सृष्टि के अंदर चैतन्य है, निर्जीव कुछ भी नहीं है। यही कारण है एक पत्थर में भी जीव होता है, एक पत्थर में भी जान होती है। यही कारण है कि हम पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, जो कि दर्शाता है पत्थर एक न्यून, बिल्कुल न्यून, न्यून से न्यून प्रारंभिक चरण है जीवन का पत्थर, और शिखर परमात्मा। तो पत्थर की विग्रह का अर्थ है मतलब प्रारंभ से शिखर तक। तो प्रारंभ से शिखर तक जाने की स्थिति को समझिए। तो जीवन सभी चराचर जगत में व्याप्त है, कुछ भी निर्जीव नहीं है। तो पूरी पंक्ति के अर्थ को समझ लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
शक्ति के रूप में स्थित, मतलब संपूर्ण पावर के साथ स्थित, जो कि संपूर्ण पावर के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ स्थित है, उस देवी को नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य, मतलब बार बार नमन करता हूं। हे देवी, मैं तुझे बार बार नमन करता हूं। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य, नमो नमः। अब नमो नमः यानी कि तीन बार बार नमन करने के बाद भी मैं दंडवत नमो नमः, नमो नमः यानी दंडवत प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं हे देवी। तो ये पंक्तियां तो एक ही रहेंगी, इन पंक्ति के भाव को आपने समझ लिया। अब इसके अंदर अलग अलग जो भाव, जो अलग अलग भाव आ रहे हैं, भाव बदलते चले जाते हैं। जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो यहाँ जो शब्द बदलते जा रहे हैं, उन शब्दों को समझिए और उन शब्दों की गहराई में जाइए। वो शब्द जहां जहां जिस जिस भाव में है, उन भावों को चराचर जगत में हर ओर देखिए कि कहां कहां देवी व्यापक रूप से व्याप्त है, जो सुप्रीम पावर है। यहां माता नहीं, देवी की बात हो रही है। एक पंक्ति में आता है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, एक पंक्ति में आता है मातृ रूपेण। बाकी पंक्तियों में अलग अलग भावों में स्थित देवी को आप बार बार नमन कर रहे हैं और दंडवत नमन कर रहे हैं इस भाव के साथ। और इन भावों को विशेष रूप से समझना है, जो बीच बीच में जो शब्द आए हैं, भाव आए हैं, उन भावों की व्यापकता को समझना है और साथ ही महसूस करना है हर जीव के अंदर उस भाव को। क्योंकि जब आप ऐसा महसूस करेंगे, जब ऐसा महसूस कर पाएंगे, तो आप किसी भी जीव के प्रति अच्छे भाव ही रखेंगे, गलत भाव नहीं रखेंगे, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जब आप के अंदर ऐसे भाव आने लगेंगे और मातृ रूपेण संस्थिता हर स्त्री में, हर जीव जगत में माता के दर्शन करेंगे, मातृ रूपेण शक्ति के दर्शन करेंगे, मातृ रूपेण शक्ति को महसूस करेंगे। इस भाव को जरा गहरे से समझना, आपको समस्त ब्रह्मांड को अपनी मातृ के रूप में, माता के रूप में, जो कि आपका पोषण कर रही है, उस रूप में, उस भाव में देखना है, उस भाव में समझना है। और विशेषकर अगर आप इसे स्त्रियों के बारे में, ये मैं विशेष कह रहा हूं स्त्रियों के बारे में, अगर ऐसा समझ लिया आपने, ठीक से पहचान लिया, ठीक से आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो आपके मन में स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान बढ़ जाएगा। जब आप एक बेटी को भी मातृभाव से देखेंगे, एक बहन को भी मातृभाव से देखेंगे, अपनी दोस्त को, अपनी फ्रेंड को भी मातृभाव से देखेंगे, अपनी पत्नी को भी मातृभाव से देखेंगे। यहां आपको थोड़ा सा असंगत लगेगा, मैंने कहा कि पत्नी को मातृभाव से देखेंगे, पत्नी पत्नी ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो देवी व्याप्त है, मातृभाव से व्याप्त है, उस देवी को आप समझेंगे तो नमन से भर जाएंगे। और जब आप समस्त स्त्री जाति का पूरी तरह से सम्मान करना सीख जाएंगे, सम्मान करने लगेंगे, अपने घर में पत्नी के अंदर आप जो है मातृभाव देखेंगे, पत्नी ही रहेगी, सभी कुछ वही रहेगा, लेकिन जब आप मातृभाव भी उस पत्नी के अंदर देखेंगे तो नतमस्तक हो जाएंगे। और जब ये भाव आपके अंदर आएंगे तो आप यकीन मानिए, आपके परिवार में जो खुशी का माहौल होगा, जो प्यार का माहौल होगा, जो प्रेम का माहौल होगा, वो अकथनीय है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और जब इन सब भावों को या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आप ब्रह्मांड से लक्ष्मी को आकर्षित कर रहे हैं। जब आप ऐसा बोलते हैं और पूरे भाव के साथ बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, तो समस्त ब्रह्मांड में ये जो है विचार रिटर्न होकर आपको उसके ही अनुरूप फल प्रदान करता है।
आप धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो क्या कर रहे हैं आप? ब्रह्मांड से शांति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये आकर्षण के नियम को समझिए। ये आकर्षण के नियम को हमारे ऋषियों ने बहुत पहले समझ लिया। और ये अगर आप 21 दिन शुक्रवार से शुरू करके इस स्तुति को रोज 21 दिन तक अगर इसका प्रयोग आपने कर लिया तो आप अपने जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव देखेंगे। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। आप वो नहीं रहेंगे जो आज हैं, और आप भी वो नहीं रहेंगे जब समस्त पुरुषों में विष्णु का भाव देखेंगे, समस्त जगत में विष्णु का भाव देखेंगे। तो आपके अंदर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि विष्णु एक श्रद्धा का भाव है, तो आप श्रद्धा से भरे होंगे। तो दोनों स्त्री पुरुषों के लिए ये है कि जो है आप इस स्तुति को ठीक तरह से आप समझ लिए हैं। अब आप इसका 21 दिन प्रयोग करिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए इसके प्रयोग कितने अच्छे रहे। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा 21 दिन के साथ बाद आपको इसको रेगुलर रखना चाहते हैं तो रेगुलर रख सकते हैं और इसको पूरी तरह से जीवन में उतार सकें। इस प्रयोग को मात्र सुबह करने के अलावा अपने मस्तिष्क में ठीक से बिठा लें और वही व्यवहार वही सब कुछ आप अपने समस्त जीवन में प्रयोग में उतार लें तो आपको किसी भी तरह की साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी, आपका ज्ञान चक्र में नहीं, आज्ञा चक्र में नहीं, आपका ध्यान सीधा सहस्त्राधार में जाएगा, आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने लाइक कमेंट शेयर हमेशा की तरह करते रहिए। और ये वीडियो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। एक अच्छा वीडियो है, अच्छा संदेश है जो कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, हिंदू धर्म में हमारे सभी हिंदू भाइयों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो गलत तरह से इस स्तुति को बिना जाने, बिना इसके अर्थ को जाने, बिना इसके भाव को जाने और किए जा रहे हैं तो उसका कोई लाभ हमें मिलता नहीं है। आप कोई भी जब भी कोई मंत्र या जो है स्तुति करते हैं तो सबसे पहले उसका भाव समझिए, उसकी गहराई को समझिए, उसकी व्यापकता को समझिए। और जब तक आप उसके अर्थ को और भाव को नहीं समझेंगे उसमें भाव नहीं आएगा। और जब स्तुति में भाव ही नहीं होगा, जब आप उसका अर्थ ही नहीं जानते क्या बोल रहे हैं तो उसमें भाव नहीं आएगा। और जब भाव नहीं आएगा तो वो स्तुति या वो मंत्र बिल्कुल व्यर्थ है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।